अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद में आपको आरटीओ ऑफिस में जाके ड्राइविंग टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले आपको सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफिकेशन करना पड़ेगा। जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन नहीं होगा तब तक आपका ड्राइविंग टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आरटीओ ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफिकेशन करते हैं और ड्राइविंग टेस्ट कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को बिना स्किप करके शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यह है एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप। आपको ये एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप का जो प्रिंट आउट है उसको निकलना होगा और इसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रीफिल्ड, यहाँ पर देखिए यह है एप्लीकेशन फॉर्म प्रीफिल्ड, इसको भी प्रिंट आउट करना होगा और इसके बाद में आपको प्रिंट आउट करना होगा जो स्लॉट बुकिंग का स्लिप है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह है स्लॉट बुकिंग का स्लिप और इसके बाद में आपको प्रिंट आउट करना होगा आपका जो लर्नर लाइसेंस है, आपका वो लर्नर लाइसेंस, यहाँ पर देखिए ये है लर्नर लाइसेंस और इसके बाद में आपको प्रिंट आउट करना होगा जो एप्लीकेशन के लिए जो आपने फ़ी दिया था। ठीक है, आपका जो फी का जो पेमेंट रिसिप्ट है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितना सारा डॉक्यूमेंट्स की बात हमने किया है, इन सारी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकलना होगा और इसको लेके आपको आरटीओ ऑफिस में जाना होगा। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, देखिए अगर आपका लर्नर लाइसेंस आपने आधार EKYC करके बनवाया था, फिर आपका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी साथ में लेके जाना होगा। ठीक है, और अगर आपका लर्नर लाइसेंस आपने आरटीओ ऑफिस विजिट करके ऑफलाइन में बनवाया था, फिर आपको कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप सवाल पूछते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट कैसे लिया जाता है, फिर दोस्तों इसका आंसर एक ही है। देखिए लर्नर लाइसेंस के लिए जब आपने एप्लीकेशन किया था वहाँ पर जैसा क्वेश्चंस आपको पूछा गया था वैसे ही आपको वहाँ पर जाके सब कुछ प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पार्किंग का सिंबल रहेगा वहाँ पर, टर्न लेफ्ट और कंपलसरी टर्न लेफ्ट, कुछ इस तरह का सिंबल रहेगा, बस उस सिंबल को देख के आपको फॉलो करना होगा उसको। ठीक है, फिर आपका जो लर्नर मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन जाएगा। और दोस्तों मेरे दोस्त के साथ मैंने ड्राइविंग टेस्ट के लिए कुछ प्रिपेरेशन ले रहा था, उसका एक वीडियो मैं यहाँ पर दिखाऊँगा। अभी यहाँ पर जो दोस्तों आप वीडियो देख रहा है, ये वीडियो दोस्तों हम लोगों ने मेरे फ्रेंड के साथ में ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले इसको कोशिश किया था। ड्राइविंग टेस्ट में मतलब आरटीओ ऑफिस में ऐसे ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमने अपना फ्रेंड के साथ में कुछ कोशिश किया था कि ऐसे ही ट्राई करूँ बस, ड्राइविंग टेस्ट क्या होता है कैसा होता है, इसीलिए ट्राई किया था। और दोस्तों ये वीडियो अगर आप देखेंगे फिर देखिए, मतलब इस वीडियो का मतलब एक ही है कि आप घर में थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई कीजिए फिर वहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाइए, आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो 100% सक्सेसफुली पास हो जाएगा।